A N O M क्या ये क्वाड्रेंट लेटर्स। और क्वाड्रेंट लेटर में चतुर्भुज में पढ़ रखा आमने सामने कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, कितना होता है 180। आमने सामने कोणों का जोड़ कितना होता है, यस 180 होता है। किसी चतुर्भुज में कोई क्वाड्रेंट लेटर लगा बेटा उसमें आमने सामने का 180 कौन कौन सा है, ए प्लस ओ भाई एंगल ए प्लस ओ बराबर 180। तो कौन सी क्या लगाया बेटा आपने, ये लगाया फ्रॉम किसे, कौन से बेटा क्वाड्रिलेटर है, फ्रॉम क्वाड्रिलेटर कौन कौन से बेटा A L M A N O M। ठीक है बेटा इससे देखा दो A प्लस O क्या लगा बेटा A प्लस O A प्लस एंगल O बराबर कितना 180 कितना बेटा 180। चलिए भाई इक्वेशन ये आपके बेटा 4 ये वाली जो है बेटा दैट इज इक्वेशन 4 और दैट इज 5। चलो ये कर लिया, यहाँ ट्रायंगल देखो LOM ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना हो गया 180। कौन सी ट्रायंगल है LOM, तो क्या लिखोगे फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सी बेटा LOM क्या बोलता है R1 प्लस, अरे बेटा R1 प्लस R2 प्लस एंगल O बराबर है 180। जब U 180 है तो U भी कितना है बराबर निकल देंगे फ्रेंड, इट मीन R1 प्लस R2 प्लस एंगल O बराबर है बेटा किसके A प्लस एंगल O, एंगल O से एंगल O कैंसल क्या आ गया R1 प्लस R2 बराबर है बेटा A तो आ गया What is A प्रिज्म एंगल, क्या है प्रिज्म एंगल, क्या आ गया आपका प्रिज्म एंगल आ गया। तो इक्वेशन आपकी जो बेटा 4 थी इक्वेशन 4 बिकम भाई चेंज हो जाएगी, क्या है बेटा डेल बराबर है हाँ इतना हाँ μ माइनस 1 इंटू R1 प्लस R2 में कहीं A तो दैट इज द फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन, समझ गए बेटे ये एंगल ऑफ डेविएशन है, क्लियर होगी बात। अब आगे एक मिनट अभी हमें ना बेटा इसमें हमें करना है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक्सप्रेशन, किसके लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक्सप्रेशन करना बेटा। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, देखिए इक्वेशन नंबर 3। देखिए हमारा जो टॉपिक है बेटा आगे अभी मैं इसमें ना चाहता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेंडिंग है वो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए है, इसी में एक्सप्रेशन है बेटा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। तो अभी करते हैं इसी के अंदर कर लेंगे बेटा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो करते हैं बेटा देखिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक्सप्रेशन क्या पड़ेगा किसके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है ये मिनिमम, क्या बेटा ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि डेल एम क्या निकालना डेल एम मिनिमम कर देना भाई, अरे एक आसान सा काम है एंगल इंसिडेंट I1 बराबर हो जाए I2 के और बराबर हो जाए IK, याद रखना है कि डेल जो है दैट बिकम मिनिमम That become minimum. भाई एंगल जो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बन जाएगा कब, कब बेटा जब I1 बराबर हो जाए किसके I2 के, जब I1 बराबर हो जाए बेटा किसके I1 बराबर हो जाए बेटा I2 के, ये दोनों बराबर किसके हो जाए I के I4 एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब मैंने ये बात कर दी कि I1 बराबर I2 बराबर I तो R भी क्यों होगा,
बराबर है आर टू, इट मीन आर वन बराबर है आर टू और बराबर है बेटा आर के। तो इक्वेशन नंबर ले लो बेटा पहले तीन से, कहां से लोगे इक्वेशन तीन से ले। लेकिन हमें ना एक बात पढ़ रखी बेटा सुनो, ये कितना होता है हमारा आर वन प्लस आर टू कितना है ए, कितना बेटा ए। तो क्या लिखोगे टेन को बन गया बेटा कितना आपका डेल एम, और आई वन और आई टू से क्या कर दिया आपने आई, वो भी आई और वो भी आई, कितना हो गया टू आई बेटा आई प्लस आई टू आई माइनस यू के है ए, ये रहे बेटा आर वन प्लस आर टू पुट करेगा ना आपने दैट इज ये ए, तो पुट कर दो माइनस ए, क्या निकाल दोगे आई, ये ए बन जाएगा बेटा इधर क्या आ रहा है देन मिनिमम प्लस ए बराबर है टू आई, बेटा आपने आई बार ना था टू मल्टीप्लाई में दिक्कत होगा डिवाइड में क्या आएगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट भाई लाइट जो है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जिसके लिए लाइट कम से कम डायरेक्ट हो जाए, कम से कम मिनिमम हो जाए कम से कम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट लेना पड़ेगा ना, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट काट रहा है अरे काट रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट आर वन ये रहा आर वन किसके बराबर है आर के, आर टू किसके बराबर है आर के, यू आर यू बी आर कितना हो गया टू आर बराबर यस टू आर इज इक्वल टू ए, सो व्हाट इज आर ए बाय टू, आर की वैल्यू व्हाट इज ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बेटा आ गया आपका टॉपिक ये आ गया, तो इसके लिए आप क्या करोगे आपका टॉपिक है प्रिज्म फार्मूला, यानी कहा आपने प्रिज्म फार्मूला, तो स्नैप सुना में पुट कर दो बेटा क्या करोगे स्नैप लो क्या बढ़ेगा बेटा देखिए स्नैप लो क्या बढ़ेगा भाई म्यू बराबर जो है जनरल बात क्या होती है साइन आई बटे साइन ये होता ना जनरल तो ये होता बेटा साइन आई बटे साइन आर, चलो साइन आई की वैल्यू कितनी है भाई डेल मिनिमम कितना बेटा प्लस ये ना डेल मिनिमम प्लस ए बाय टू प्लस ए बाय टू बटे क्या है बेटा साइन आर, चलो साइन आर की वैल्यू कितनी है बेटा ए बाय टू, तो ये क्या बन गया बेटा ये जो आपका टॉपिक आया ये वाला जो बना है दैट इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला, क्या बेटा ये इट इज द प्रिज्म फार्मूला दैट इज द प्रिज्म फार्मूला, ये प्रिज्म फार्मूला क्लियर है। दो बातें याद रखनी है, सबसे पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर ही है डेल म्यू माइनस वन इंटू ए, अच्छा ए मान लो प्रिज्म दे दिया मैंने तुम्हें तो क्या ए फिक्स है या चेंज हो सकता है एंगल बटे ये यहां फिक्स है तो ये तो क्या कॉन्स्टेंट है बेटा फिक्स होता है, एक प्रिज्म दे दिया मैंने आपको एक प्रिज्म दिया उसमें ए तो फिक्स है वो तो बार बार चेंज नहीं होगा इट मीन ये तो चेंज नहीं होता तो ये भी कॉन्स्टेंट है बेटा ये भी तो डेल किसके डायरेक्टली हो गया डेल किसके डायरेक्टली कह सकते हो बेटा यहां से एक बात समझ में आती है कि जो डेल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके न्यू के, लाइट घूमती क्यों है ये बताया बेटा लाइट झुकती क्यों है डेविएट क्यों होती है क्योंकि भाई एंगल बदलता है एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता है विद चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम सब ने पढ़ रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है जब लाइट रे क्या करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है क्योंकि क्या चेंज होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज हो म्यू तो चेंज होगा बेटा म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है सी बाय वी, तो म्यू इज वन बाय वी, ये देखो भाई वेलोसिटी चेंज है तो म्यू क्या होगा चेंज हो जाएगा म्यू चेंज होगा तो डेल क्या होगा चेंज हो जाएगा, इसलिए एंगल जो है डेविएट करते हैं क्लियर है। तो ये टॉपिक था बेटा आपका।